दोस्तों, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर स्टेटस देखा, सो वही स्टेटस हम क्रिएट करने वाले हैं। सो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट ज़रूर करना। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है। बट उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है और वहाँ पर फॉलो कर लेना। ओके गाइस, वहाँ पे जल्दी जल्दी से जो भी फॉलो नहीं किए हैं जल्दी से फॉलो कर लीजिए, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले क्या करना है गाइस, एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है लाइक मोशन। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा और वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, उसके बाद मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, दो प्रोजेक्ट के लिंक जो मिलेगी यहाँ पर टेलीग्राम पर, दो प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, सो उन्हें भी वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ओके गाइस, डाउनलोड करने के बाद उन्हें एलाइट मोशन में इनपुट कर लेना है। एलाइट मोशन में इनपुट करने के बाद आपको एलाइट मोशन को ओपन करना है गाइस। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर मिल रहा है प्रोजेक्ट का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट तो मिल जाएगा, दो प्रोजेक्ट जो भी आपने इनपुट किया है वो, तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। तो ये रेड कलर में आपको बीट लगी हुई मिल जाएगी गाइस। तो आपको क्या करना है, इस बीट के हिसाब से फोटो एडिट करना है। ओके गाइस, तो फोटो एडिट करने के लिए नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है, तो इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद मीडिया का आइकन दिख रहा है गाइस, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये लाइट मोशन लिखा हुआ आ रहा है, तो आपके मोबाइल में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसी पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जितने भी फोल्डर से सारे फोल्डर ओपन होकर आ जाएंगे। तो जिस फोल्डर में भी आपका फ़ोटो है उस फोल्डर पर क्लिक कीजिए और उस फोल्डर में जो भी फ़ोटो होगी वो ओपन हो जाएगी। अगर आप भी इस तरह की फ़ोटो डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ए टू जेड फ़ोटो मिल जाएगी। ओके गाइस, तो सिंपली इस फोटो पर क्लिक करना है गाइस। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ ऊपर थ्री डॉट। ओके फ्रेंड्स, थ्री डॉट पर क्लिक करना है यहाँ पे, और पांचवे नंबर पर मिलेगा यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तीर के निशान पर क्लिक करना है आपको, तो अगली बीट तक आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके कट कर देना है। ओके गाइस, तो सारी फोटो आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करके लगा लेनी है। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको इस तरह से लगा देता हूँ, एक बार और अच्छे से देख लीजिए कि फ़ोटो कैसे लगा रहे हैं। तो इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद मीडिया के आइकन पर क्लिक कर देना, फोटो पर क्लिक करना है गाइस, थ्री डॉट पर क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा फिल कंपोजिशन एरिया, उस पर क्लिक करना है, उसके बाद इस तीर के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ से कट कर देना। ठीक है गाइस, तो मैं जल्दी से आपको इस तरह से फ़ोटो लगा के बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको करते जाना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस जो भी दोस्त है वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं तो वो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए और वीडियो का ड्यूरेशन भी कम ना हो। के गाइस, आप आधी वीडियो देखते हो और आधी छोड़ देते हो गाइस, तो वीडियो पे भी बहुत बैड इफेक्ट आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको कर लेना है। मैं थोड़ी सी वीडियो को स्किप करके जल्दी से लगा के बता देता हूँ। ठीक है गाइस, तो आप भी इसी तरह से लगा लेना। तो गाइस, मैंने इस तरह से एंड तक ये फ़ोटो लगा लिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से फ़ोटो लगा दिया हूँ, तो आपको भी इसी तरह से फ़ोटो एंड तक लगा लेना है। ओके गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद आपको चेक इफेक्ट मिलेगा। ओके गाइस, इस तरह से न्यू इफेक्ट बाय रॉयल शिवराज के नाम से इस तरह से। तो आपको क्या करना है गाइस, ये जो दो चेक इफेक्ट मिल रहे हैं तो आपको लास्ट वाला इफेक्ट पर आना है, इस पर इस तरह क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, और थ्री डॉट पर यहाँ पर क्लिक करना है, और कॉपी का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है। ओके गाइस, उसके बाद बैक चले जाना है और न्यू बीट मार्क बाय रॉयल शिवराज के नाम से जो भी बीट मार्क है उसे ओपन करना है। फर्स्ट फोटो को छोड़ना है गाइस, और उसके बाद जो फोटो आ रही है उस फोटो पर क्लिक करना है। फर्स्ट फोटो छोड़कर 0.20 सेकंड पे फोटो आ रही है उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर अगली फोटो पर जाना है 1.4 सेकंड पर, उस पर भी इस तरह से इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना, पेस्ट इफेक्ट कर देना। अब आपको यहाँ से गाइस ये दो फोटो छोड़ देना है। ओके गाइस, ये दो फोटो छोड़ दी, उसके बाद जो अगली दो फोटो आ रही है उन फोटो पर भी इस तरह से ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना। ठीक है गाइस, दो फोटो पर पेस्ट करने के बाद आपको फिर से ये दो फोटो छोड़ देना गाइस, और अगली दो फोटो आ रही है उन पर इस तरह से इफेक्ट पेस्ट कर देना। ठीक है गाइस, तो मैं इस तरह से आपको
एंड तक ये वाला इफेक्ट पेस्ट करके बता देता हूँ, आप भी इसी तरह से कर लेना। तो दो दो फोटो पर हमें इफेक्ट लगाना है और दो दो फोटो पर छोड़ना है। ओके गाइस, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एंड तक आपको इसी तरह से लगा के बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैंने लास्ट तक वो वाला इफेक्ट लगा दिया हूँ। अब आपको दो दो फोटो जो छोड़ी थी वो फोटो ओपन करते हैं, उनमें लगाना है। तो अब हम बैक जाएंगे यहाँ से और फिर से चेक इफेक्ट को ओपन करेंगे। उसके बाद ये पहला वाला इफेक्ट है, इसी पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है। ओके गाइस, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बैक जाना है और उसी बीट मार्क को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद जो फर्स्ट फोटो आ रही है उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और क्लिक कर देना है। ओके गाइस, सॉरी गाइस, मम्मी का कॉल आया था। ओके फ्रेंड्स, तो इस फर्स्ट वाली फ़ोटो पर इस तरह से इफेक्ट लगा लिया। उसके बाद आगे की दो फोटो छोड़ देना गाइस, ये वाली और ये वाली। दो फोटो छोड़ने के बाद आपको आगे ये दो फोटो मिलेगी। ओके गाइस, 1.24 सेकंड पे, 1.24 सेकंड पे। तो इस तरह फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, फिर रोड पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। ठीक है गाइस, तो इस तरह से मैं इफेक्ट लगा दिया हूँ। उसके बाद फिर आगे की दो फोटो छोड़ना है गाइस इस तरह से, और आगे फिर जो भी फोटो आ रही है दो फोटो, उन फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना, फिर रोड पर क्लिक करके इस तरह से पेस्ट इफेक्ट कर देना। ठीक है गाइस, तो मैं इस तरह से आपको लगा के बता देता हूँ। ओके गाइस, तो इस तरह से आपको एंड तक लगा लेना है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से मैं जल्दी से आपको लगा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो स्किप करके जल्दी जल्दी लगा देता हूँ। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास जल्दी से वीडियो न्यू स्टाइल में आती रहेगी। जैसे सब्सक्राइब कर लोगे बेल आइकन ऑन कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एंड तक लगा के बता देता हूँ। सो गाइस, हमने एंड तक ये वाला इफेक्ट लगा लिया है, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर तीर का निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट वीडियो कर लेना। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वेट कीजिए। ओके फ्रेंड्स।